गुड इवनिंग बच्चों, ये एडिटोरियल का मेरा थर्ड सेशन यानी तीसरा एडिटोरियल आपको दिया जा रहा है। और आपने इसके पहले जो एडिटोरियल आपको दिए गए हैं निश्चित ही आपने पढ़ा होगा और उनका लाभ लिया होगा आपने। तो इसमें जिस तरीके से आपको पढ़ना है वो मैं आपको रिमाइंड करा दूं। ये पैसेज हैं आपके जो एडिटोरियल के हैं, ये 23 जनवरी के हैं यानी 23 जनवरी के आपको दे गए हैं। जो एडिटोरियल है आपका वो आपका ये सामने आपके है समिट 2.0 और ये सारे पैसेज हैं आपके। और ये वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहूंगा आप सॉल्व करें और एडिटोरियल पढ़ने का फायदा लें आप, ठीक है। ये 15 सेंटेंस है जो इस एडिटोरियल से आपको मैंने बना के दिए हुए हैं। हर एक में करीब करीब एरर्स हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में हमारे स्पेशली सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में किस तरीके के सेंटेंसेस वो कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिलर्स में आपको देते हैं। बहुत फायदा होगा आपको, विश्वास करें। ये 15 सेंटेंसेस हैं आपके, ठीक है। इनके बाद ये सारे जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं जो जरूर तैयार करें आप, ये 30 वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स उन इस एडिटोरियल में आपको दिए गए हैं जो जरूरी हैं आपके लिए। और सबसे अच्छी चीज 20 ये वर्ड्स जो मैंने विद एक्सप्लेनेशन, विद मीनिंग्स, विद हिंदी मीनिंग्स, इंग्लिश सब मैंने करके आपको दिए हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल शुरू करने से भी पहले ये चीज देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इसमें आपको फेस करने होंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड जो आपका है, आप देख रहे होंगे, पहला वर्ड है आपका सीज। सीज मीन्स आप जानते हैं किसी चीज का रुक जाना, समाप्त हो जाना या रोक देना और समाप्त कर देना होता है। दूसरा वर्ड है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स होता है कोई सूची, जो सामान वगैरह होते हैं आपके या चीजें होती हैं उनकी जो एक लिस्ट बना लेते हैं आप, वो आपकी इन्वेंट्री होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका सीक। सीक मीन्स होता है चाहना, मांगना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है जैसे बी यू आई बाई का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बॉट और बॉट होता है, वैसे सीक का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो भी सॉट और साट होता है। तो कभी भी अगर आप एस ओ यू जी एस टी देखें तुरंत समझ जाए वो सीक की सेकेंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है डिसमेंटल। डिसमेंटल क्या होता है, जैसे कोई मशीन है, ठीक है, उसकी पुर्जे पुर्जे आप अलग कर देते हो तो आप उसे डिसमेंटल कर देते हैं, मीन्स उसे मेंटल से अलग कर देते हैं, अर्थात जो कुछ है उसे अलग अलग प्रदर्शित करते हो, उसे एक ढेर बना लेते हैं, ये डिसमेंटल करना होता है। नेक्स्ट वर्ड्स है आपके पास परसिस्ट। परसिस्ट आप चाहते हैं किसी चीज पर दृढ़ रहना, किसी चीज को जारी रखना, तो ये परसिस्ट होता है। और नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्टिंग समझते हैं, कन्फ्लिक्ट से बना है। कन्फ्लिक्ट मीन्स विरोधाभास करना होता है या किसी से झगड़ा करना, कलह करना होता है, तो कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्टिंग हो गया विरोधाभाषी। नेक्स्ट वर्ड है आपका सातवां आठवां इंटरप्रिटेशन। ये तो आप समझते होंगे जब हम किसी चीज की गूढ़ व्याख्या करते हैं, किसी चीज की गहराई तक समझाने या समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, उसी का नाउन फॉर्म है इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मतलब कोई ऐसी चीज जो आप, जैसे मान ली आप पे कोई हमला करने वाला है तो उससे पहले ही जो आप कदम उठाते हैं वो कदम आपका प्रीएम्प्टिव होता है, अर्थात रोकथाम करने वाला, अर्थात पहले से ही उठाया गया कोई कदम। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेलमेट। देख रहे होंगे स्टेलमेट मीन्स कोई गतिरोध होता है, और संयोग से नेक्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट था वो इम्पास, वो भी आपका गतिरोध होता है। दोनों वर्ड्स देने की वजह ये थी दोनों की इंपॉर्टेंस को समझाना आपको कि दोनों ही वर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट आप समझते हैं, प्रीवेरिकेट मीन्स होता है टाल मटोल करना। एक वर्ड आपको याद होगा प्रोक्रेस्टिनेट होता है ना, वैसे प्रीवेरिकेट होता है टाल मटोल करना, मीन्स फैब्रिकेट करना, बिट करना, बहाने वगैरह बना लेना, ये प्रीवेरिकेट होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिंज। जैसे दरवाजा वगैरह होता है
जिस चीज पर वो टिका होता है उसे हिंज कहते हैं। वर्ग के रूप में हिंज में तुकमा लगाना, जोड़ना या टेक देना, में सहारा देना, ये हिंज करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटिसिपेशन। आप तो समझते होंगे एंटिसिपेट मींस होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, तो एंटिसिपेशन उसका नाउन हो जाएगा, अनुमान या अंदाजा हो जाएगा, यानी एंटिसिपेशन मींस अनुमान या अंदाजा। और स्टेटेड आप समझते होंगे वो चीज जो स्टेट किया गया हो, स्पष्ट रूप से कहा गया हो, एसर्ट किया गया हो, वह स्टेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके रीइन्फोर्स। आप समझते होंगे रीइन्फोर्स मींस किसी चीज पर बल देना, जोर देना, किसी चीज पर, किसी चीज को बहुत बल के साथ कहना, रीइन्फोर्स करना, समझते होंगे री और इन्फोर्स से बना हुआ है रीइन्फोर्स, बल देना। नेक्स्ट है इम्फेसाइज, ये भी वही चीज एक तरह से जोर देना, फिर से दोनों वर्ड्स देने की वजह थी, पहले तो इनकी इंपॉर्टेंस, दूसरा इनके अलग अलग जो वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स। आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस समझते होंगे युद्ध विराम को कहते हैं हम, मीन्स जैसे कोई एग्रीमेंट आप करते हो, जो युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध चल रहा हो उसको रोकने के लिए किया जाता हो तो वह युद्ध विराम होता है आर्मिस्टिस। और नेक्स्ट वर्ड है टेंजिबल, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, जब जिस चीज को आप छू करके महसूस कर सकते हो, जो बिल्कुल अस्पष्ट हो, दृष्टिगोचर हो आपके सामने, वह टेंजिबल होता है। चलिए और लास्ट वर्ड्स आपके सामने है ल्योर। ल्योर मीन्स होता है आकर्षित करना, अगर आप याद हो इसी से बना हुआ अल्योर, किसी को लालच देना, आकर्षित करना, वही ल्योर है आपका। और नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्रोकेट, मीन्स आदान प्रदान करना, एक दूसरे से बातचीत करना। चलिए ये 20 वर्ड्स हमारे पास है, फिर से देख लें, रेसिप्रोकेट ल्योर, रेसिप्रोकेट आदान प्रदान करना, ल्योर लालच देना किसी को, टेंजिबल जो चीज ठोस हो, जैसे कोई कारण है बहुत ठोस है तो वह भी टेंजिबल हो सकता है, कोई चीज है जिसे हम छू करके महसूस कर सकते हैं तो वो भी टेंजिबल होता है। आर्मिस्टिस युद्ध विराम को, जो किसी चलते हुए युद्ध के पहले आप करते हैं ताकि वो युद्ध ना हो आगे, वो आर्मिस्टिस होता है। इम्फेसाइज और रीइन्फोर्स, जैसे कोई कथन है आप उसे बहुत जोर देके कह रहे हैं तो वह इम्फेसाइज करना होता है, कोई कारण है, कोई चीज है, कोई लक्ष्य है आपका, आप उसको रीइन्फोर्स कर रहे हैं, मीन्स उस पर बहुत बल दे रहे हैं। स्टेटेड यानी वो चीज जो स्टेट किया गया है, कहा गया है। एंटिसिपेशन आपका पूर्वानुमान जो होता है, अनुमान आपका होता है। हिंज जिस चीज के सहारे कोई चीज टिका हुआ है। प्रीवेरिकेट मीन्स टाल मटोल करना, हीला हवाली करना। इम्पास या स्टेलमेट, कोई गतिरोध, कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस, कोई हर्डल, कोई डेडलॉक, कोई बॉटलनेक, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई इंटरप्शन, कोई डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें आपकी स्टेलमेट या इम्पास होते हैं। प्रीएम्प्टिव पहले से ही उठाया गया कोई कदम ताकि आगे वो चीज ना हो। और इंटरप्रिटेशन कोई व्याख्या। कॉन्फ्लिक्टिंग कोई चीज जो विरोधाभाषी हो। परसिस्ट किसी चीज पर दृढ़ रहना, डटे रहना। डिसमेंटल मशीन वगैरह पुर्जे वगैरह अलग अलग करना। सीक चाहना किसी चीज की मांग करना। और इन्वेंट्री सूची तथा सीज रुक जाना या रोक देना। ठीक है चलिए अब अच्छी चीज करते हैं और जो भी आपके पैसेज हैं एडिटोरियल के वो देखते हैं। सामने आपके दिख रहा होगा ये आपका पैसेज है समिट 2.0। समिट समझते होंगे शिखर वार्ता को कहते हैं, तो शिखर वार्ता 2.0। 2.0 समझ रहे हैं क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो जून 2018 में मीटिंग हुई थी उसे हम अगर वर्जन 1 का नाम दें तो यह समिट 2.0 यानी वर्जन 2.0। दिया भी आगे द सेकेंड ट्रंप किम मीटिंग, यानी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच जो दूसरी मीटिंग हो रही है वो आपका समिट 2.0 है। किस चीज पर है अ सेकेंड ट्रंप किम मीटिंग, यानी जो दूसरी मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच, कुड डू यानी संभावना हो सकती है कि ये कार्य करे, इसका फायदा हो, विद अ चाइनीज नज, संजोग से देखे नज आपने पढ़ा था ना, नज में याद करें कि उन्हें किसी को मारना, उसका ध्यान आकर्षित करना दखल के रूप में, तो कुड डू विद अ चाइनीज नज यानी चीन की इसमें प्रेरणा हो सकती है। एंड अ साउथ कोरियन विस्पर, और साउथ कोरिया की चाहत होती है वो भी ऐसा चाह सकता है कि किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच
जो मीटिंग है कुड डू, अर्थात उसका फायदा हो। अगर आपको लगे कि सर यहां कुड कैसे आ रहा है, क्योंकि संभावना है तो कुड कैसे आएगा, तो आप जानिए जो प्रेजेंट टेंस की संभावना होती है उसके लिए भी आप अगर संभावना प्रबल है तो वहां पे मे या माइट के बजाय आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं, यानी आपसे क्या कह रहे हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि समिट 2.0, यानी ये वर्जन हो गया शिखर वार्ता का दूसरा दौर, द सेकेंड ट्रंप किम मीटिंग, यानी ट्रंप और किम की दूसरी मीटिंग, अ सेकेंड ट्रंप किम मीटिंग, यानी ट्रंप और किम की जो दूसरी मीटिंग है कुड डू, इसका फायदा हो सकता है, इससे समस्या का हल किया जा सकता है, विद अ चाइनीज नज, जिसमें चीन की भी प्रेरणा है, चीन भी चाह रहा कि ऐसा हो, एंड अ साउथ कोरियन विस्पर, और साउथ कोरिया भी चाह रहा है कि इसका समाधान निकले। साउथ कोरिया समझ रहे होंगे, नॉर्थ कोरिया से जिसकी हमेशा ठनी रहती, क्लैश रहता है, वो साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय आप कॉमन एरर्स और वर्ड पावर पे विशेष मेहनत करिएगा, ये चीजें बहुत काम आएंगे आपके। तो इवन दो क्या है, एक कंजंक्शन है, इवन दो मीन्स भले ही, हालांकि जिसको आप कहते हैं, इवन दो देर वॉज लिटिल प्रोग्रेस न के बराबर प्रगति हुई थी। आप समझते होंगे लिटिल मीन्स न के बराबर, और लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत कुछ, और द लिटिल मीन्स वो सब कुछ जितना भी हो, और द लिटिल की खासियत होती है कि उसके साथ एक एडजेक्टिव क्लास भी होना चाहिए। तो यहां लिटिल प्रोग्रेस कहने का मतलब है न के बराबर प्रगति। जहां पे हम काउंटेबल होते हैं वहां फ्यू, ऑफ फ्यू या द फ्यू स्थिति अनुसार प्रयोग करते हैं, और जहां पे अनकाउंटेबल होते हैं वहां पे हम लिटिल, और लिटिल या द लिटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इवन दो देर वॉज लिटिल प्रोग्रेस, भले ही, यानी हालांकि बहुत कम न के बराबर प्रगति हुई थी इन अचीविंग द गोल्स, किस चीज को, अपनी लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करने में। देखिए यहां पर इन है ना, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो देखिए अचीव में क्या जोड़ा गया है, आईएनजी, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी आता है। तो इवन दो, हालांकि देयर वॉज लिटिल प्रोग्रेस, बहुत कम प्रोग्रेस हुई थी, न के बराबर प्रगति हुई थी इन अचीविंग द गोल्स, किस चीज को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सेट वो गोल्स सेट इन द हिस्टोरिक मीटिंग, जो गोल्स जो लक्ष्य उस ऐतिहासिक मीटिंग में सेट किए गए थे, तय किए गए थे, बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चेयरमैन किम जोंग उन, है ना, किनके बीच जो मीटिंग हुई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, और प्रेसिडेंट यानी जो वहां के राष्ट्रपति हैं, और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जो वहां के चेयरमैन है, उनके बीच जो इन जून में बैठक हुई थी 2018 में, इसके जो परिणाम थे उसमें न के बराबर कोई फायदा हुआ था, फिर भी द अनाउंसमेंट, यानी जो अनाउंसमेंट है, घोषणा, कौन सी घोषणा, ऑफ अ सेकेंड समिट, दूसरी शिखर वार्ता की नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, वो अनाउंसमेंट इज अ स्टेप, एक कदम है इन द राइट डायरेक्शन, कौन सी दिशा में, सही दिशा में। यानी पूरा अगर कॉन्सेप्ट बना ले तो इवन दो देयर वाज लिटिल प्रोग्रेस इन अचीविंग द गोल्स, यानी जो लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त करने में न के बराबर प्रगति हुई थी, सेट इन द हिस्टोरिक मीटिंग, जो उस हिस्टोरिक ऐतिहासिक मीटिंग में तय किए गए थे, बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चेयरमैन किम जोंग उन ऑफ नॉर्थ कोरिया, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट चेयरमैन किम जोंग उन के बीच इन जून, जो कब हुई थी, जून में हुई थी 2018 में, द अनाउंसमेंट, उसके बावजूद अभी जो घोषणा हुई है ऑफ अ सेकेंड समिट, दूसरी मीटिंग की, दूसरी शिखर वार्ता की नेक्स्ट मंथ, जो अगले महीने में होनी है, इज अ स्टेप, ये एक ऐसा कदम है इन द राइट डायरेक्शन, जिसके दिशा क्या है, बिल्कुल सही है। द फैक्ट, ये तथ्य, ये सच्चाई, कौन सी, दैट की Pyongyang has seized its nuclear muscle flexion. Pyongyang समझते होंगे नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, जिसकी 2008 की जनगणना के अनुसार करीब 33 लाख आबादी है, उससे ज्यादा तो इलाहाबाद में लोग होंगे सब।
तो वहां की जो प्योंगयांग, जैसे हम कहते हैं भारत के लिए हम नई दिल्ली कहते हैं, नई दिल्ली से बुलावा आया है, ऐसे नॉर्थ कोरिया के लिए हम प्योंगयांग यूज करते हैं। फिर से देखें तो द फैक्ट, ये सच्चाई दैट की प्योंगयांग हैज सीज्ड इट्स न्यूक्लियर मसल फ्लेक्शन, प्योंगयांग हैज सीज्ड, प्योंगयांग ने सीज कर दिया है, बंद कर दिया है, रोक दिया है, क्या इट्स न्यूक्लियर मसल फ्लेक्शन। आपको याद होगा भारत के लिए हमेशा जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर उसका वो देता, हवाला देता है कि बम से उड़ा देंगे, हाइड्रोजन हम लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका को न्यूक्लियर बम का हवाला देता है, उससे डराने की कोशिश करता था। तो वही यहां पर बताया गया है कि द फैक्ट, यह सच्चाई दैट की प्योंगयांग हैज सीज्ड इट्स न्यूक्लियर मसल फ्लेक्शन, मसल फ्लेक्शन शक्ति प्रदर्शन को कहते हैं, मांसपेशियों का प्रदर्शन, यानी ये सच है कि प्योंगयांग ने अपनी शक्ति प्रदर्शन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो शक्ति प्रदर्शन है उसको करना बंद कर दिया है, एंड और हैज नॉट टेस्टेड, और उसने टेस्ट नहीं किया है एनी न्यूक्लियर कैपेबल डिवाइस, यानी किसी भी न्यूक्लियर क्षमता युक्त यंत्र का, डिवाइस का, आर या फिर लॉन्च्ड एनी मिसाइल फॉर मोर देन ए ईयर, या फिर एक साल से अधिक समय से उसने किसी भी मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है। अब जुड़े यहां पे द फैक्ट इज, यहां गया ना इज, द फैक्ट इज रीजन, यानी सच्चाई कारण है, किससे इसका, फॉर कंटिन्यूड पेशेंस, क्योंकि निरंतर क्या प्रदर्शित किया गया, धैर्य प्रदर्शित किया गया, एंड कॉन्फिडेंस, और विश्वास प्रदर्शित किया गया इन द डायलॉग, किस चीज में, वार्ता में, यानी अगर एक साल से अधिक समय से प्योंगयांग ने, यानी नॉर्थ कोरिया ने, यानी वहां के चेयरमैन किम जोंग उन ने कोई भी मिसाइल परीक्षण नहीं किया है, कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से युक्त कोई वहां पे उन्होंने डिवाइस को परीक्षण नहीं किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत अधिक पेशेंस दिखाया और कॉन्फिडेंस दिखाया इन द डायलॉग कि हमें वार्ता करनी है। ठीक है, द सिंगापुर मीटिंग, जैसे बच्चों के मन में आ सकता है जैसे सिंगापुर है तो द कैसे लग जा रहा है, द इंडिया तो नहीं होता है, तो ये द जो है वो सिंगापुर के लिए नहीं, ये द किसके लिए है, मीटिंग के लिए। ठीक है, तो द सिंगापुर मीटिंग, ये जो सिंगापुर में मीटिंग हुई थी, जेनरेटेड म्यूचुअल गुडविल, इसने एक आपसी सद्भावना विकसित की थी, जनरेट मीन्स विकसित करना, उत्पन्न करना, जनरेट से ही जनरेटर बना है आपका, ठीक है, जो बिजली उत्पन्न करता है। तो द सिंगापुर मीटिंग, ये जो सिंगापुर में मीटिंग हुई थी, जनरेटेड म्यूचुअल गुडविल, इसने आपसी सौहार्द, आपसी सद्भावना विकसित की, एंड होप्स, और आशाओं को उत्पन्न किया ऑफ अ ब्रेक थ्रू। जो बच्चे मेरे बैच में पढ़ रहे होंगे याद करें, ब्रेक थ्रू मैंने कहा था दो होता है, एक ब्रेक थ्रू जब पुलिस किसी चीज की तह तक पहुंच जाए, ये ब्रेक थ्रू होता है, और एक ब्रेक थ्रू जो सफलता हो, याद करें जब कोई बॉलर अपना पहला विकेट लेता है किसी मैच में तो उसका एक ब्रेक थ्रू होता है। तो फिर ये जो सिंगापुर मीटिंग थी उसने एक म्यूचुअल गुडविल उत्पन्न किया, मीन्स आपसी सौहार्द, आपसी सद्भावना विकसित की, एंड होप्स, और आशाएं विकसित की, उत्पन्न की ऑफ अ ब्रेक थ्रू, कि आगे इस मामले में सफलता मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट लेकिन करें, लेकिन इन द डिक्लेरेशन द लीडर्स हैड प्रॉमिस्ड अ डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, आन है यहां पे, ऑफ द कोरियन पेनिनसुला विदाउट इंडिकेटिंग अ टाइम टेबल आर द मॉलिटीज ऑफ रीचिंग दैट फार साइटेड इंड गोल। ठीक है, बट लेकिन आपने पीछे पढ़ा था कि सिंगापुर की जो मीटिंग थी उससे बहुत सारी आशाएं उत्पन्न हुई थी, एक म्यूचुअल जो था सद्भावना गुडविल होती वो विकसित हुआ था, बट लेकिन इन द डिक्लेरेशन, लेकिन जब सिंगापुर मीटिंग के बाद डिक्लेरेशन हुआ था, घोषणा हुई थी, तो द लीडर्स, जो दोनों नेता थे, हैड प्रॉमिस्ड, तो उन्होंने ये वायदा किया था, क्या वायदा किया था, डी न्यूक्लियराइजेशन, आप समझते होंगे डी नेगेटिव वर्ड है, तो डी न्यूक्लियराइजेशन मीन्स कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हैं या जो आणविक क्षमताएं हैं इन सब को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, कहां पर,
कोरिया के प्रायद्वीप पर, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप स्थान, यानी कोरिया के प्रायद्वीप पर जो निकोलराइजेशन है उसे पूरी तरह से डी निकोलराइजेशन में कर दिया जाएगा, मीन समाप्त कर दिया जाएगा विदाउट इंडिकेटिंग। लेकिन उन्होंने इंडिकेट नहीं किया था अ टाइम टेबल, इसका समय क्या होगा, आर द मॉडलिटीज या फिर इसका तरीका, इसका साधन क्या होगा ऑफ रीचिंग दैट फार साइटेड इनपुट, ऑफ रीचिंग कि कैसे पहुंचना है दैट फार साइटेड, फार साइटेड दूरगामी, उस दूरगामी इंड गोल, लक्ष्य की तरफ। यानी सही है कि सिंगापुर की जो मीटिंग थी उससे आपसे गुडविल विकसित हुई थी, होप्स विकसित हुए थे कि हमें सफलता ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, बट लेकिन इन द डिक्लेरेशन, लेकिन उसका जब घोषणा पत्र तैयार किया गया था तो उसमें द लीडर्स जो नेता थे हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने वायदा किया था अ डीनिकोलराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, कि जो कोरिया प्रायद्वीप पर जो डीनिकोलराइजेशन है वो किया जाएगा, मींस आणविक शक्ति से हटाया जाएगा विदाउट इंडिकेटिंग। लेकिन उन्होंने इंडिकेट नहीं किया था, कोई संकेत नहीं दिया था अ टाइम टेबल कि उसका समय क्या होगा, आर द मॉडलिटीज या फिर तरीका क्या होगा ऑफ रीचिंग दैट फार साइटेड इन गोल, इस फार साइटेड दूरगामी लक्ष्य तक पहुंचने का। यहां पे देखिए ऑफ है ना, ऑफ के बाद देखिए वर्ब में क्या जोड़ा गया, रीचिंग जोड़ दिया गया, आई एन जी जोड़ दिया, ठीक है। इन द मंथ्स यानी वो महीने सिंस द मीटिंग, जो उस मीटिंग से जून 2018 से अब तक बीते हैं, यानी जून 2018 से जितने महीने हुए हैं, प्योंगयांग्स एंटिसिपेशन, प्योंगयांग का जो अंदेशा है, जो अनुमान है, जो अंदाजा है ऑफ एन ईजिंग ऑफ यूएस सैंक्शंस, कि जो यूएस ने उस पर सैंक्शंस के, सैंक्शंस में से यहां पे प्रतिबंध, कि यूएस ने, अमेरिका ने जो सैंक्शंस किए हैं वो प्रतिबंध जो है ईजिंग क्या करेगा, धीरे धीरे उसे कम करेगा, उन प्रतिबंधों में ढील देगा, वो एंटिसिपेशन हैव नॉट मैटरलाइज्ड, वो सैंक्शंस हटाने का जो जिम्मेदारी था अमेरिका की हैव नॉट मैटरलाइज्ड, अभी भी वो कहीं अस्तित्व में नहीं हुआ, नहीं साकार नहीं हुआ है। फिर से समझे, अच्छी लाइन है, देखें यहां से, इन द मंथ्स यानी वो महीने सिंस द मीटिंग, जितनी मीटिंग के बाद बीते हैं, प्योंगयांग्स एंटिसिपेशन, प्योंगयांग का जो यानी नॉर्थ कोरिया का जो अंदेशा था, मींस जो अनुमान था क्या, ऑफ एन ईजिंग ऑफ यूएन सैंक्शन, कि अमेरिका उस पर लगाए हुए प्रतिबंधों में ढील देगा, वो एंटिसिपेशन हैव नॉट मैटरलाइज्ड, अभी वो अस्तित्व में यानी कि साकार नहीं हुए हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें, मुझे लगता है मेरी अपनी सोच है, ग्रामर की यहां पे प्रॉब्लम है, अगर हम कह रहे हैं प्योंगयांग से एंटिसिपेशन, तो अगर प्योंगयांग की एंटिसिपेशन की बात हम कर रहे हैं तो फिर यहां हैव कैसे होना चाहिए था, यहां पर हैज होना चाहिए था। अब उन्होंने सैंक्शंस के लिए लगाया हो तो उनकी अपनी जगह है, लेकिन आप सोचेगा सैंक्शंस यहां पे यूएस सैंक्शन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां है प्योंगयांग्स एंटिसिपेशन, यानी नॉर्थ कोरिया का जो अनुमान है ऑफ एन ईजिंग ऑफ यूएस सैंक्शन, कि अमेरिका जो है वो प्रतिबंधों में ढील देगा, वो अनुमान हैव नॉट मैटरलाइज्ड, यानी वो अभी साकार उसके नहीं हुए हैं, फिर यहां हैव नहीं होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। चलिए, वाइल इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंट्री ऑफ नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स दैट वाशिंगटन हैड सॉट एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ वेरिफिएबल डिसमेंटलिंग ऑफ द नॉर्थ कोरियन आर्सेनल हैज नॉट बीन फोर्थकमिंग। नॉर्थ कोरिया को लगा था कि अमेरिका उस पर जो सैंक्शन है, प्रतिबंध है, उनमें ढील देगा, वाइल जबकि इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंट्री ऑफ नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स, न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स यानी वहां जो आणविक हथियार है उनका जो जखीरा है, उनका इन्वेंट्री, उनकी सूची जो है, उस सूची के बारे में इंफॉर्मेशन यानी सूचना, फिर से लिखें, वाइल जबकि इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंट्री यानी उस लिस्ट की, उस सूची की जानकारी, कौन सी सूची, ऑफ नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स, कि नॉर्थ कोरिया में कितने आणविक जखीरे हैं, हथियारों के जखीरे हैं,
दैट जिन्हें वाशिंगटन हैड शॉट, वाशिंगटन चाहता था कि एज अ फर्स्ट स्टेप, कि पहले कदम के रूप में टुवर्ड्स अ वेरिफिएबल डिसमेंटलिंग, कि नॉर्थ कोरिया जो है वेरिफिएबल डिसमेंटलिंग यानी अस्पष्ट रूप से उन आणविक हथियारों को हटाए एक एक करके ऑफ द नॉर्थ कोरियन आर्सेनल, कहां से, नॉर्थ कोरिया के आर्सेनल से, शस्त्रागार से। एडिटोरियल पढ़ने से बहुत सारे वर्ड्स आपके इजी हो जाएंगे। आर्सेनल आप समझते होंगे, शस्त्रागार को कहते हैं जहां पे आयुध वगैरह हथियार रखे होते हैं उन्हें को कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो है हैज नॉट बीन फोर्थ कमिंग, वो इंफॉर्मेशन अभी भी अमेरिका को मिल नहीं रही है। फिर से देखते हैं, शायद देख ले, शायद और समझ में आ जाए आपको। आप यहां से देखें, बट लेकिन इन द डिक्लेरेशन ऑफ द लीडर्स, यानी जो नेता थे अर्थात डोनाल्ड ट्रंप और किंग जोंग उन, इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें इन लीडर्स ने हैड प्रॉमिस्ड, यानी उन्होंने वायदा किया था अ डी न्यूक्लियराइजेशन, कि वो आणविक शस्त्रों को हटाएंगे, नष्ट करेंगे, ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, कहां से, कोरिया के प्रायद्वीप से, विदाउट इंडिकेटिंग। लेकिन गलती क्या हुई, उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया अ टाइम टेबल के हटाने का समय क्या होगा, आर द मॉडलिटीज ऑफ रीचिंग, या फिर वो तरीका क्या होगा पहुंचने का, दैट फार साइटेड इन गोल, कि उस दूरगामी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना है। इन द मंथ्स सिंस द मीटिंग, यानी उन उस मीटिंग से अभी तक जितने महीने बीते हैं, प्योंगयांग्स एंटिसिपेशन, यानी प्योंगयांग का जो अनुमान है ऑफ एन ईजिंग ऑफ यूएस सैंक्शंस, कि अमेरिका उस पर लगे हुए प्रतिबंधों में ढील देगा, वो एंटिसिपेशन यहां है होना चाहिए, हैज नॉट मैटरलाइज्ड, वो उसका अनुमान अभी साकार नहीं हुआ, सही साबित नहीं हुआ है। वाइल जबकि इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंट्री, उस लिस्ट की जानकारी, कौन से लिस्ट की जानकारी, ऑफ नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स, यानी नॉर्थ कोरिया के पास जो आणविक जखीरा है उसकी जो इंफॉर्मेशन है, दैट जिसे वाशिंगटन हैड सॉट, वाशिंगटन चाहता था एज अ फर्स्ट स्टेप, कि नॉर्थ कोरिया पहला कदम उठाए टुवर्ड्स अ वेरिफिएबल डिसमेंटलिंग, ताकि स्पष्ट रूप से अर्थात वेरीफाई किया जा सकता हो कि वह अपने आणविक हथियारों को हटा रहा है ऑफ द नॉर्थ कोरिया आर्सेनल, कहां से, नॉर्थ कोरिया के आर्सेनल से, अर्थात वहां के शस्त्रागार से। वो इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन फोर्थ कमिंग, वो इंफॉर्मेशन और आगे नहीं बढ़ रही, अर्थात अमेरिका को इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। ठीक है, ये नाउन है आपका, सब्जेक्ट है आपका। तो जैसे आपने पढ़ा अंडर स्कोरिंग द स्टेटमेंट, ना दिमाग में एक चीज है कि हमारा सब्जेक्ट यहां हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो अंडर स्कोरिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मींस बाधा, गतिरोध, इस गतिरोध को अंडर स्कोरिंग, कम आंकते हुए यूएस वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, स्टेटेड, उन्होंने स्पष्ट कहा, क्या कहा, डेज बिफोर द अनाउंसमेंट, यानी उस घोषणा के कुछ दिन पहले, ऑफ द कमिंग बाइलेटरल समिट, जो होने वाली क्या है, बाइलेटरल मींस द्विपक्षीय समिट, शिखर वार्ता है, उसके कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा दैट की प्योंगयांग हैड मेड लिटिल हेडवे, हेडवे मींस प्रगति, कि नॉर्थ कोरिया ने न के बराबर प्रगति की है ऑन इट्स कमिटमेंट्स, उन कमिटमेंट्स पर, उन प्रतिबद्धताओं पर जो उसने किए थे। यानी मीटिंग से कुछ ही दिन पहले वहां के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल भी इस क्षेत्र में प्रगति नहीं किया था, तो उसने हमें सूचनाओं का ठीक से आदान प्रदान नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज आपके पास। सिमिलरली, यानी ठीक उसी प्रकार से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, माइक पोम्पियोज परसिस्टेंट निरंतर एफर्ट्स, प्रयास, माइक पोम्पियो के जो निरंतर प्रयास हैं सिंस द सिंगापुर मीटिंग, कब से, सिंगापुर मीटिंग के बाद से, हैव, देखिए यहां सही है, हैव किसके लिए है, एफर्ट्स के लिए है ना,
तो उनके जो निरंतर प्रयास है सिंगापुर मीटिंग के बाद से हैव कम टू नॉट, कम टू नॉट मीन्स कोई लाभ न होना, शून्य पे आ जाना मीन्स किसी प्रकार की सफलता न प्राप्त होना। यानी फिर देखें सिमिलरली उसी प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के जो है माइक पॉम्पियो, उनका जो परसिस्टेंट एफर्ट्स है, उनके जो निरंतर प्रयास है सिंस द सिंगापुर मीटिंग, कब से, सिंगापुर की मीटिंग के बाद से हैव कम टू नॉट, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन, कॉन्सेप्ट में समझते होंगे अवधारणा, यानी जो पूर्ण न्यूक्लियर क्षमता से रहित होने की कॉन्सेप्ट अवधारणा है ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, कहां से, कोरिया के प्रायद्वीप से, दैट फॉरवर्ड फॉर्म द प्रश्न, जिसने मूल प्रश्न यानी सबसे विचारणीय प्रश्न का रूप धारण कर लिया था ऑफ द सिंगापुर डिक्लेरेशन, कहां पर, सिंगापुर में जो घोषणा हुई थी वो कंप्लीट डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है हैज बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस। वास्तव में वो विरोधाभासी व्याख्याओं यानी विरोधाभासी बातों का एक सब्जेक्ट बन गया है, उसका विषय बन गया है। फिर से देखें करें सिमिलरली उसी प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वहां के अमेरिका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियोज़, उनका माइक पॉम्पियो का परसिस्टेंट एफर्ट्स, उनके जो निरंतर प्रयास हैं सिंस द सिंगापुर मीटिंग, कब से, सिंगापुर की मीटिंग के बाद से हैव कम टू नॉट, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है मीन्स शून्य के स्तर पे फायदा हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा अब द कॉन्सेप्ट ऑफ आ गया मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द कॉन्सेप्ट होगा, इसी के अनुसार आपको चलना है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, यानी कोरियन प्रायद्वीप पर जो पूर्ण मतलब डी न्यूक्लियराइजेशन था उसका जो कॉन्सेप्ट है दैट फॉर्म्ड द क्रक्स ऑफ द सिंगापुर डिक्लेरेशन, जिसने मूल रूप से प्रश्न धारण किया था मीन्स विचारणी प्रश्न बन चुका था सिंगापुर के डिक्लेरेशन में, वो कॉन्सेप्ट हैज बिकम अ सब्जेक्ट, वह एक विषय बन के रह गया है ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस, यानी जो व्याख्या की जा रही जो बातें कही जा रही वो आपस में ही विरोधाभासी हो रही। ठीक है, प्योंगयांग इंसिस्ट, यानी प्योंगयांग जो है जोर दे रहा, ध्यान रखिएगा जब इंसिस्ट के बाद दैट आ गया तो एग्जाम में आपको यहां पे आन लिख देगा जो आन गलत हो। ठीक है, तो प्योंगयांग इंसिस्ट, प्योंगयांग इस बात पे बल दे रहा है दैट की द एक्सप्रेशन कि वो जो अभिव्यक्ति थी वो जो सोच थी मस्ट हैव अ वाइडर मीनिंग, उसका और बड़ा अर्थ होना चाहिए था एंड और इंक्लूड द यूएस मिलिट्री अम्ब्रेला दैट एक्सटेंड्स अक्रॉस साउथ कोरिया एंड जापान एंड इंक्लूड, और नॉर्थ कोरिया चाहता कि उसमें इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए क्या, द यूएस मिलिट्री अम्ब्रेला, यानी जो अमेरिकन अमेरिका की जो मिलिट्री अम्ब्रेला है उसका पूरा विस्तार है, क्षेत्र है, दैट एक्सटेंड्स अक्रॉस साउथ कोरिया एंड जापान, जो साउथ कोरिया और जापान तक है वो चीज क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अ वाइडर मीनिंग, उसका एक अलग अर्थ होना चाहिए और जो एक्सप्रेशन है वो कहीं कहीं उसमें चीजें शामिल रहनी चाहिए। ठीक है, फिर से देखें करें प्योंगयांग इंसिस्ट, प्योंगयांग इस बात पे बल देता है दैट की द एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ वाइडर मीनिंग, कि जो सिंगापुर मीटिंग में एक्सप्रेशन थे भाव थे उनका और अधिक अर्थ निकलना चाहिए था एंड इंक्लूड द यूएस मिलिट्री अम्ब्रेला दैट एक्सटेंड्स अक्रॉस साउथ कोरिया एंड जापान, और वो क्या कह रहा है, और वो चीज उसमें शामिल होनी चाहिए, यानी जो यूएस मिलिट्री अम्ब्रेला क्षेत्र है वो जो साउथ कोरिया और जापान तक फैला हुआ है वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए था मीन्स शामिल होना चाहिए। इट कंटेंस, यह तर्क देता है दैट कि नॉर्थ कोरिया विल बी द फर्स्ट टारगेट, कि नॉर्थ कोरिया पहला टारगेट होगा, पहला लक्ष्य होगा इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ एक फ्रेज है, इन द इवेंट ऑफ की स्थिति में, इन द इवेंट ऑफ अ प्रीएम्प्टिव यूएस स्ट्राइक,
यूएस स्ट्राइक मीन्स अमेरिका का हमला, यानी नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि अगर अमेरिका यूएस स्ट्राइक होता है, अमेरिका का हमला होता है, तो प्रीएम्प्टिव के तौर पर रोकथाम करने के लिए जो पहला शिकार होगा, पहला टारगेट होगा, वो कौन होगा? नॉर्थ कोरिया होगा। किसका? अमेरिका। यानी अमेरिका, अरे नॉर्थ कोरिया को डर है कि अगर अमेरिका अपने को सेफ करना चाहेगा तो अपनी सेफ्टी के लिए जो पहला स्ट्राइक करेगा, पहला हमला करेगा, वो हमला वो नॉर्थ कोरिया पे करेगा। फॉर न्यूक्लियर हॉक्स, वो लोग जो न्यूक्लियर से संबंधित हॉक्स हैं, यानी जो मानते हैं न्यूक्लियर के दम पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग, तो फॉर न्यूक्लियर हॉक्स यानी न्यूक्लियर से संबंधित जानकार लोगों के लिए या उसका समर्थन करने वाले लोगों के लिए जो कि वाशिंगटन में है, यानी वाशिंगटन में जो न्यूक्लियर हॉक्स हैं उनके लिए द स्टेलमेट, ये जो गतिरोध है, इज एट बेस्ट, अगर हम सबसे बड़े स्तर पे देखें तो अ केस ऑफ मिस्टर ट्रंप्स डिप्लोमेटिक गैम्बिट। तो यह मिस्टर ट्रंप का एक राजनीतिक गैम्बिट है, राजनीतिक अरे सॉरी कूटनीतिक गैम्बिट है, मीन्स कूटनीतिक चाल है। हैविंग गॉन ऑरी, जो प्रतिकूल पड़ गया, उल्टा पड़ गया है, एंड एट वर्स्ट, और सबसे निचले स्तर पर अगर हम देखें तो एन इम्पास, यह एक ऐसा गतिरोध है दैट अलाउज प्योंगयांग, जिससे प्योंगयांग प्योंगयांग को कहीं कहीं इस बात की छूट मिल जाती है टू प्रीवेरिकेट, कि वो बहाना करे, टाल मटोल करे, एंड गिव नथिंग अवे, और कुछ भी, यानी जो न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन का मसला था वो कहीं से भी छोड़ने के लिए तैयार न हो। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का एक डिप्लोमेटिक गैम्बिट था, हैविंग गॉन ऑरी, वो क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्योंगयांग के पास एक प्री बैरिकेड करने का हो गया, मींस बहाना करने का वो मिल गया, मींस टाल मटोल करने का बहाना मिल गया, एंड गिव नथिंग अवे, और वो अब कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, करें अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मीन्स पृष्ठभूमि, इस पृष्ठभूमि के विपरीत द प्रॉस्पेक्ट्स, जो संभावनाएं हैं फॉर एनी मीनिंगफुल प्रोग्रेस, किसी भी अर्थपूर्ण प्रगति के लिए अपीयर, देखिए अपीयर है ना, ये पता है किसके लिए, ये प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, प्लूरल है, तो फिर इसके वर्ब भी प्लूरल हो गए। फिर से देखते हैं, करें अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, यानी पीछे आपने जो कुछ भी पढ़ा उस पृष्ठभूमि के विपरीत द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर एनी मीनिंगफुल प्रोग्रेस, यानी किसी भी अर्थपूर्ण प्रगति यानी सकारात्मक प्रगति के जो संभावनाएं हैं अपीयर, वो प्रतीत होती हैं, प्रकट होती हैं, टू हिंज, टिकी हुई प्रतीत होती हैं ऑन मीडिएशन, उस मध्यस्थता पर बाय बीजिंग, जो मध्यस्थता कौन कर सकता है, बीजिंग यानी चीन कर सकता है, एंड सियोल, और सियोल समझते होंगे साउथ कोरिया कर सकता है। यानी पिछली पृष्ठभूमि अगर हम छोड़ दें, उसके विपरीत जो संभावनाएं हैं फॉर एनी मीनिंगफुल प्रोग्रेस, अर्थात किसी सकारात्मक प्रगति की तरफ, वो संभावनाएं अपीयर टू हिंज, टिकी हुई प्रतीत होती हैं ऑन मीडिएशन, उस मध्यस्थता पर जो मध्यस्थता चीन कर सकता है और साउथ कोरिया कर सकता है। मून से इन, अर्थात साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट, ये साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट जो है यहां पे केस इन अपोजिशन के रूप में है, जब एक नाउन के बगल में एक और नाउन उसके बारे में बताए तो उसे केस इन अपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो मून जे इन साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट, की मून जे इन जो कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, फेवर्स, वो पक्ष लेते हैं रेप्रोचमेंट, ये बढ़िया वर्ड है आपका, रेप्रोचमेंट मीन्स मैत्री, घनिष्ठता, तालमेल, ठीक है। तो फेवर करते हैं, यानी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति फेवर्स रेप्रोचमेंट, यानी वो चाहते हैं तालमेल हो, मीन्स मैत्री हो, मित्रता हो, विद द नेबर, किसके साथ, उसके पड़ोसी के साथ, एंड अ टेस्ट लास्टिंग रिजोल्यूशन, और एक अस्थाई हल निकले ऑफ द वाशिंगटन प्योंगयांग न्यूक्लियर इम्ब्रोग्लियो, जो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच न्यूक्लियर इम्ब्रोग्लियो है, इम्ब्रोग्लियो मीन्स उलझन, समस्या, परेशानी, यानी जो अमेरिका और प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया के बीच जो उलझन फंसा, जो पेच फंसा हुआ है, उसका एक लास्टिंग रिजोल्यूशन निकले
मीन्स अस्थाई हल निकले, ये कौन चाह रहे हैं? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन। ठीक है, आफ्टर हिज रिसेंट मीटिंग विद द चाइनीज लीडर जी जिनपिंग, यानी अमेरिका के अरे चीन के लीडर जी जिनपिंग के साथ अपनी मीटिंग के बाद मिस्टर किम, मिस्टर किम समझ रहे हैं, किम जोंग उन, मिस्टर किम जोंग उन रीइन्फोर्स्ड, उन्होंने इस चीज पर बल दिया, किस चीज पर, हिज प्लेस, अपनी उस प्रतिज्ञा पर, अपनी कही हुई बात पर, यानी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पर बल दिया टू रिड द रीजन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, कि उस क्षेत्र को आणविक हथियारों से रिड करना है, मुक्त करना है, एंड एक्सप्रेस, और उन्होंने प्रकट की अ विलिंगनेस मींस अपनी इच्छा फॉर एनदर समिट, कि एक और शिखर बैठक हो विद मिस्टर ट्रंप, किसके साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है, बट लेकिन ही इम्फेसाइज्ड, लेकिन किम जोंग उन ने जोर देकर कहा प्योंगयांग से नीड, कि प्योंगयांग को जरूरत है फॉर सिक्योरिटी गारंटीज, यानी सुरक्षा की जो गारंटी है उसे उसे प्राप्त होनी चाहिए, इसमें क्या क्या जाना चाहिए, रिप्लेसिंग द डिकेड्स लॉन्ग आर्मिस्टिस, हमेशा याद रखिएगा रिप्लेस के साथ विद होता है, देखिए है ना, रिप्लेस विद, यानी वो चाहते हैं कि रिप्लेसिंग द डिकेड्स लॉन्ग आर्मिस्टिस, यानी जो दशकों पुरानी युद्ध विराम की संधि है रिप्लेस कर जाए, अर्थात उसके स्थान पर आ जाए अ फॉर्मल पीस ट्रीटी, एक औपचारिक शांति संधि आ जाए टू मार्क द एंड, जो इस बात की निशानी बने ऑफ द 1950-1953 कोरियन वार, यानी जिसमें यह साबित हो जाए कि 25 जून 1950 से 27 जुलाई 1953 तक जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 3 सालों तक चला हुआ युद्ध था उसका अंत हो जाए, इसलिए वो जो दशकों पुरानी आर्मिस्टिस है उसके स्थान पर एक फॉर्मल पीस ट्रीटी बना दी जाए, अर्थात एक औपचारिक संधि हो जाए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अब कोई भी झगड़ा नहीं है। टोनिंग डाउन, टोनिंग डाउन, टोनिंग डाउन समझते हैं ना, जैसे हम आपसे ऐसे बोल रहे हो क्या कर रहे हो, तो हमारी आवाज क्या है ऊंची है, लेकिन अगर हम कहें क्या कर रहे हो, यानी हमने टोन क्या कर दिया, अपने डाउन कर दिया, था मुलायम करना, नरम करना, तो टोनिंग डाउन हिज रिटोरिक, यानी अपने बड़ बोलेपन को टोनिंग डाउन कम करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हैज डिस्प्लेड अ रेडीनेस, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, एक तरह से वो तैयार हैं टू वेट एंड वॉच, कि जो परिणाम होने वाला है उसका इंतजार करें, उस पर निगाह रखें, यानी वो भी तैयार है कि नॉर्थ कोरिया को मौके दिए जाए। इट इज नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है, इफ द सोबर मूड, कि जो शांत भाव है विल ट्रांसलेट इनटू टेंजिबल आउटकम्स, वह एक ठोस परिणाम में भी क्या होगा, तब्दील होगा। देखिए कितने चिल्लाए, देखिए फिर से करें, इट इज नॉट सर्टेन, यह निश्चित नहीं है, ध्यान रखिएगा, जब सर्टेन आप अलग से यूज करते हैं एक प्रेडिकेटिव यूज में तो सर्टेन मीन्स निश्चित होता है, लेकिन जब भी आप सर्टेन लेते हैं और इस सर्टेन के साथ कोई नाउन आ जाता है तो सर्टेन प्लस नाउन जो होता है वो सर्टेन अज्ञात या अनिश्चित हो जाता है। फिर से समझें, जैसे आपने कहा आई एम सर्टेन, इस सर्टेन मीन्स निश्चित, लेकिन अगर आप कहें अ सर्टेन बॉय तो सर्टेन के साथ बॉय आ गया, नाउन आ गया, तो इस सर्टेन मीन्स अनिश्चित अज्ञात हो जाता। ठीक है, बढ़िया रूल, देखिए इंग्लिश कितनी अच्छी है, सर्टेन अकेले लेते हैं तो सर्टेन मीन्स निश्चित होता है, सर्टेन के साथ कोई नाउन रख देते हैं तो सर्टेन मीन्स अज्ञात या अनिश्चित हो जाता है, यानी जिस सर्टेन मीन्स निश्चित होता है उसी सर्टेन मीन्स अनिश्चित भी होता है, अजीब है ना। चलिए करें, इट इज नॉट सर्टेन, यह निश्चित नहीं है, इफ कि क्या, द सोबर मूड कि जो शांत भाव है यानी जो गंभीर मुद्रा है विल ट्रांसलेट या बदलेगी इनटू, देखिए ट्रांसलेट इनटू है ना, जैसे आप लिखते होंगे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, इन ट्रांसलेट इनटू बदलना, तो यह निश्चित नहीं है, इफ कि क्या द सोबर मूड
कि वो जो शांत भाव इसमें शांत चित्त लोग हैं वे ट्रांसलेट इनटू टेंजिबल आउटकम्स. क्या इसका कोई ठोस परिणाम भी निकलेगा? टेंजिबल मीन्स ठोस और आउटकम मीन्स परिणाम. बट लेकिन दैट वुड बी अ क्रेडिबल ऑफर, लेकिन यह एक विश्वसनीय ऑफर होगा दैट कैन ल्योर मिस्टर किम, जो मिस्टर किम को जरूर आकर्षित करेगा टू रेसिप्रोकेट, कि वो बातचीत करें, बातों का आदान प्रदान करें ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट, आणविक मोर्चे पर. ठीक है, यानी पूरा आपका एक पैसेज थे सारी ये. इसके आगे मैंने सारे जो वर्ड्स हैं आपको इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं वो दिए हैं, और ये मैंने आपको वो कॉमन एरर्स हैं जो इस पे मेन है. ठीक, जैसे एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे. देयर वॉज द लिटिल प्रोग्रेस इन अचीविंग द गोल्स सेट इन द हिस्टोरिक मीटिंग. यहां कहीं भी एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, इसलिए आपको यहां द लिटिल प्रोग्रेस नहीं होगा, लिटिल प्रोग्रेस या और लिटिल प्रोग्रेस होगा. ऐसे 15 सेंटेंसेस में कोई ना कोई एरर्स होंगी अगर आप इसे रेगुलरली सॉल्व करते हैं. हर एक एडिटोरियल में मैं 15-15 बना करके दूंगा आपको कॉमन एरर्स, तो ये चीजें आपके हमेशा काम आएंगी. ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप ये 15 सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, इन्हें सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर. इनका लास्ट में मैं आपको आंसर्स भी दे रहा हूं, और अपने से मुझे बताइए अगर आपकी दिक्कतें आती हों. उनके बाद ये सारी वर्ड्स एक एक वर्ड तैयार करिए, मीनिंग्स खोजिए इनकी. इससे अगर मीनिंग खोज खोज के आप तैयार करते हैं तो आपकी और प्रिपरेशन होगी, और लास्ट में मैंने सारी वर्ड्स बेस्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं वो सारे मैंने आपको दिए. तो चलिए अगली बार के लिए फिर से कोशिश करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा ताकि ये चीज़ें हमें और इनकरेज करती रहें. थैंक यू वेरी मच.